हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं अजय, आपका ट्रेनर अजय दक्ष हुआ, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, ये टॉपिक आपके करियर और आपके लाइफ के लिए कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि स्वॉट एनालिसिस होता क्या है और इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ पर किस तरीके से करते हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे पर्सनल लाइफ है, दोनों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो स्वॉट, चलिए आज बात करते हैं। स्वॉट एनालिसिस इज़ द एक्रोनिम्स ऑफ स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। ठीक है, सॉफ्ट एनालिसिस जो हमारा क्या होता है, वो हमारा स्ट्रेंथ होता है, वीकनेस होता है, अपॉर्चुनिटी होती है और थ्रेट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ का मतलब हम किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, हमारी क्या कमज़ोरियां हैं, उसे हमको क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब अवसर, और डर क्या है, खतरे क्या हैं। ठीक है, दिस इज़ एन इफेक्ट डिस्टिलेशन ऑफ ऑल द स्टेप्स एंड कंसिडरेशन दैट शुड बी टेकन टू नो अबाउट योर ओन सेल्फ एंड टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स। ठीक है, जब तक आप अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स नहीं जानोगे, तब तक आप अपने लाइफ में या अपने खुद के लिए कोई भी एक अप्रोप्रिएट स्टेप्स नहीं ले सकते हो। तो आज इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए वन बाय वन हम जानते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, वीकनेस क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ठीक है, व्हाट आर द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आई हैव दैट मेक मी स्ट्रेंथ आउट फ्रॉम अदर्स। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आप क्या क्वालिफिकेशन, आपके पास ऐसी कौन सी क्वालिफिकेशन है जो कि दूसरों से आपके पास अलग है, क्वालिटी क्या है आपके पास। ठीक है, जैसे आपने ग्रेजुएशन तो हम सभी करते हैं, ठीक है, चाहे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हों, चाहे आईटीआई किए हों, या कोई हार्डवेयर नेटवर्किंग या कंप्यूटर, ऐसा कोई सा भी कोर्स जो आपके पास है, वो आपकी क्या है, क्वालिफिकेशन है, मतलब वो आपकी स्ट्रेंथ है ना। एजुकेशन एक हमेशा एक ऐसा टूल है जिससे आप वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि इन सब चीज़ों से अगर आपके पास कोई चीज़ है तो वो आपकी स्ट्रेंथ मानी जाती है। ठीक है, व्हाट आर माई आउटस्टैंडिंग स्किल्स, अब बात करते हैं कि आपकी आउटस्टैंडिंग स्किल्स क्या है, लाइक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, टीम वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप। ठीक है, आउटस्टैंडिंग स्किल्स का मतलब है कि स्टडी के साथ, पढ़ाई के साथ साथ, डिग्री या डिप्लोमा के साथ साथ आपके पास और एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, चाहे वो आपके पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, या टीम वर्क हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, क्रिएटिविटी होती है हो सकती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है और लीडरशिप हो सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब कि आप किसी से किस तरीके से बहुत प्रभावी ढंग से आप बात कर ले रहे हो। ठीक है, टीमवर्क का मतलब कि जब आप एक लीडर होते हो तब आप एज अ टीम कैसे काम कराते हो किसी से। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्रिएटिविटी, और आई थिंक ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे। तो स्ट्रेंथ में टोटल मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन के साथ साथ आउटस्टैंडिंग स्किल्स में से ये सारी चीज़ें आपके पास हैं तो ये आपकी स्ट्रेंथ मानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वीकनेस, अब वीकनेस की बात कर लेते हैं। डू आई हैव सम अनडिज़ायरेबल हैबिट्स, कहने का मतलब कि आपके पास कोई ऐसी हैबिट जो अनडिज़ायरेबल हो, जो कि जिसे आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है आपके प्रोफेशनल लाइफ में या आपको खुद के, जैसे टू मच टॉकिंग, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बात करते हैं। ठीक है, इग्नोरिंग नेचर, जैसे होता है कि आपसे कोई बात कर रहा हो और आप उसको इग्नोर कर रहे हो। गिविंग लेम एक्सक्यूजेस, आपसे कुछ कहा करने के लिए कहा जा रहा है और आप बहाने पे बहाने बनाए जा रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये आपकी वीकनेस में आता है, ज़्यादा बात करना या इग्नोर करना या बहाने बनाना, ये सब क्या है, आपकी वीकनेस है। व्हाट डू अदर थिंक ऑफ माई वीकनेस, मतलब कि आपकी वीकनेस के बारे में दूसरे लोग क्या सोचते हैं, जैसे अनकम्फर्टेबल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ग्रुप्स, पुअर एट डीलिंग विद स्ट्रेस, लैक ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं कि ये सारी चीज़ें हमको आ जाती हैं, जैसे कि आपको घबराहट होती है लोगों के साथ बात करने में, आपका डीलिंग करने का तरीका अच्छा नहीं है, आप स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, या आपके पास नॉलेज की कमी है, तो वो क्या है, आपकी वीकनेस में आती है। वीकनेस का मतलब ये नहीं कि आप फिज़िकली वीक हो, वीकनेस का मतलब ये होता है कि नॉलेज से आप कितना वीक हो,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आपकी वीकनेस में आती हैं। अगर आपके पास ऐसी कोई वीकनेस हो तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, सॉरी इसको दूर करो और इसको अपने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करो। अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अवसर। हमको अवसर क्या क्या होते हैं, जैसे व्हाट टेक्नोलॉजी एंड और न्यू नॉलेज कैन आई यूज़ फॉर इम्प्रूवमेंट माई स्किल्स। ठीक है, अगर आपने ऐसी कोई सी भी स्किल या कोई सी भी टेक्नोलॉजी जो आज के टाइम पे नई चल रही है आपने उसको सीखा है, तो वो आपके लिए एक नया अवसर लेके आएगा, आपके लिए अपॉर्चुनिटी का वर्क करेगा या आपको अच्छा इम्प्रूव करेगा। ठीक है, जैसे लाइक न्यू आईटी सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन एट्सेट्रा। अगर आज के टाइम पे हम देखें तो हम जो मोबाइल चलाते हैं वो एंड्रॉयड बेस्ड है। ठीक है, तो एंड्रॉयड में डेली हर महीने या हर रोज़ कुछ ना कुछ नए चेंजेस आते रहते हैं। ठीक है, नए नए सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को नई सीखना चाहते हो तो ये कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ठीक है, क्योंकि पुरानी चीज़ें हम अगर आज जिस तरीके से हमारा जो वर्ल्ड है, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड आगे ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से हमको भी चलना होगा, तभी हम अपने लाइफ को या अपने करियर को अच्छा सेफ और सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, वॉट न्यू स्किल्स कैन गिव मी अ कम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स। ठीक है, आपके पास ऐसी क्या सी स्किल है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है या दूसरों से अलग अवसर देती है, जैसे माई इंटरपर्सनल स्किल्स एंड न्यू आइडियाज़ फॉर कंपनी। ठीक है, हर किसी के पास देखिए अलग अलग तरीके के आइडिया हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा इंटरपर्सनल स्किल हो, जैसे मैंने पिछले बताया था कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, आपका टीम वर्क अच्छा हो। तो ये सारी अगर स्किल्स आपके पास हैं और आपके पास नए आइडिया हैं तो ये आपके लिए एज अ अपॉर्चुनिटी का काम करता है। ठीक है, अगर वहीं आपके पास कोई आइडिया नहीं है, आप बिना मतलब किसी अप्रोच के काम कर रहे हो, पॉजिटिव अप्रोच आपके पास नहीं है, तो आपके लिए वो निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो आप अपॉर्चुनिटी में क्या टाइम को देख के कि कौन सा टाइम है, अभी क्या सीखना चाहिए, क्या जानना चाहिए, तो इन सब चीज़ को आप सीखो और उसको अपॉर्चुनिटी एज अ यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थ्रेड्स, अब आपको दिक्कतें कहाँ कहाँ पे आती हैं, इज़ सम डूइंग बेटर देन मी। अगर आपसे कोई अच्छा कर पा रहा है तो वहाँ पे आपको दिक्कत है। क्यों? क्योंकि अगर आपसे कोई अच्छा तभी कर पा रहा है जब आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो, या आपके पास वो नॉलेज नहीं है, या आपके पास वो क्वालिटी नहीं है, या थिंकिंग नहीं है, तभी कोई दूसरा आपके साथ आपसे अच्छा कर ले रहा है। ठीक है, आर न्यू टेक्नोलॉजी थ्रेटनिंग माई प्रोग्रेस। ठीक है, क्या नई टेक्नोलॉजी आपके प्रोग्रेस को रोक रही है? हाँ, ज़रूर रोकेगी, क्योंकि अगर आपने नई टेक्नोलॉजी या नई चीज़ अगर आपकी कंपनी में कोई इंट्रोड्यूस हुई है, अगर आप उसको नहीं सीख रहे हो या नहीं सीखे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रोग्रेस में दिक्कत करेगी, वो आपके लिए थ्रेट्स हो सकता है। आर माई पर्सनल ट्रेट्स प्रिवेंटिंग मी फ्रॉम अचीविंग माई टारगेट्स। अगर आपके जो पर्सनल ट्रेट्स है, पर्सनल कोई कारण है, पर्सनल कोई वजह है, हो सकता है वो आपके करियर को ग्रो होने से रोक रही हो। जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको इग्नोर की आदत है या टू मच टॉकिंग है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, ये सारे थ्रेट्स होते हैं। ठीक है, वॉट आर द ऑब्स्टिकल आई एम फेसिंग, वो आपको जानना होगा कि ऐसी क्या दिक्कत है जो आप फेस कर रहे हो, जो आपके लिए थ्रेट का काम कर रही है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है कि आपके लिए थ्रेट्स क्या है, तो उसके ऊपर आप काम करो जिससे कि आप उसको ओवरकम कर जाओ और उस थ्रेट्स को आप अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सको। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज हमने पढ़ा स्वॉट एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो स्वॉट एनालिसिस में स्ट्रेंथ, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी होती है, तो ये सारी चीज़ों को वन बाय वन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आपको कहीं भी ये टॉपिक समझ नहीं आए हो या कोई वर्ड, कोई लाइन नहीं समझ आया हो, तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हो। क्लास ओवर करते हैं, थैंक यू।